फ्रेंड्स, मैं अभी आ चुका हूँ, आप देख रहे हैं ग्रेविटी ब्रांड, ये क्लोथिंग ब्रांड नज़र आ रहा है मुझे। तो चलिए इस स्टोर पर चलते हैं, पूछते हैं कि एक्चुअल में फ्रेंचाइजी है क्या। हाय सर, माय नेम इज आशीष अग्रवाल। हेलो सर, रोहित शर्मा बात कर रहा हूँ सर मैं। रोहित शर्मा जी, आप कुछ बताएंगे अपने ब्रांड के बारे में? जी सर, मैं अपने ब्रांड के बारे में आपको बताना चाहूँगा। हमारा ग्रेविटी ब्रांड है, जो कि मेंस वेयर का पूरा ब्रांड है, बॉम्बे बेस्ड ब्रांड है सर। हम लोग फ्रेंचाइजी का वर्किंग करते हैं। अभी हमारे अभी रनिंग में 35 स्टोर्स हैं और 1991 से इस्टेब्लिश ब्रांड है हम लोग, और फुली मेंस वेयर ब्रांड है। हमारा दो सेक्शन चलता है सर, एक कैजुअल है, एक फॉर्मल है। हम फुली एकदम कंप्लीट मेंस वेयर ब्रांड हैं। अभी हमारी रनिंग में भी स्टोर्स 35 चल रहे हैं सर, 45 स्टोर होने वाले हैं अभी हमारे पास, हम कभी भी 10 स्टोर हैं आने वाले हैं ये दिवाली पे। और हमारा जो इन्वेस्टमेंट है सर, आप देख रहे होंगे ग्रेविटी, हमारा इन्वेस्टमेंट 7 लाख का इन्वेस्टमेंट है, जो कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट है हमारे लिए। उसी को हम रोटेट करते रहते हैं सर। और हमारा जो प्रोडक्ट है, टोटल ब्रांडेड प्रोडक्ट है, इसमें हम अच्छा खासा मार्जिन आपको देंगे सर। हम कंपनी की तरफ से जो सपोर्ट होता है, हम लोग एडवर्टीजमेंट का पूरा सपोर्ट करते हैं सर। कंपनी की तरफ से हम GST का पूरा पेड करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन भी हम ही पेड करते हैं, प्लस स्टॉक करेक्शन भी हमारे पास होता है। मेन बोर्ड का वर्किंग पूरा करके देते हैं हम। हमारा पूरा प्रोडक्ट आपको आएगा, हमारा जो बैक एंड का सपोर्ट है आपको शॉप का इनोवेशन करने में या कुछ भी नया करने के लिए, हमारा पूरा टीम है जो आपको लिए वर्क करेगा। हमारी एडवर्टीजमेंट टीम है जो आपको एडवर्टीजमेंट के लिए हेल्प करेगी। हमारी जो VM विजुअल मर्चेंडाइजिंग टीम है, वो भी आपको हेल्प करेगी आपके स्टोर को, लोकेशन को अच्छा क्रिएट करने में। और हमारा जो सेक्शन प्रोडक्ट्स आते हैं, हमारी टी शर्ट्स है वो जो 350 से स्टार्ट होता है, हमारा कॉटन पैंट है जो कि 950 से स्टार्ट होता है, डेनिम है 950 से स्टार्ट होता है, और प्लस कॉटन ट्राउज़र है वो भी 950 से स्टार्ट होता है। फॉर्मल शर्ट्स है 695 से, कैजुअल शर्ट्स है 695 से, फॉर्मल पैंट है 750 से स्टार्ट होता है। ये सारे हमारे प्रोडक्ट रेंज है सर। एक ब्रांडेड प्रोडक्ट आपको एक अच्छे रेंज में मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, प्लस हमारी जो टीम है, आपके जो भी सेल्स पर्सन है उनको ट्रेनिंग देगी हमारी टीम, एक नए से नए आइडिया क्रिएट करेगी आपके सेल्स पर्सन के लिए। उनका जो ड्रेसअप है, उनको क्या ड्रेस प्रोवाइड करना है, वो सब हमारी टीम आपको पूरा मोटिवेट करेगी उनको। और बैक एंड पे एवरी 45 डेज पे हम स्टोर्स पे विजिट करते हैं, आपकी टीम को मोटिवेट करते हैं, सेल्स कैसे होता है, सेल्फ डेवलपमेंट कैसे होता है, पर्सन से या स्टोर पे कैसे बात करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, वो सारी ट्रेनिंग हम लोग मोटिवेट करते हैं अपने ब्रांड के लिए। और प्लस हम कस्टमर को देखते हुए, जो भी हमारा ट्रेंड चल रहा है मार्केट का, उस ट्रेंड को देखते हुए हम लोग मार्केट में अच्छी अच्छी वैरायटियां लेके आते हैं, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट लेके आते हैं, कौन सा फिट चल रहा है, कौन सा कलर चल रहा है, ये सब चीज़ें हम लोग पूरा ध्यान में रखते हुए, पूरा मार्केटिंग का प्लानिंग करते हुए सब वर्किंग करते हैं। हमारी जो डिजाइनिंग टीम है, वो अभी हम लोग लंदन से अडॉप्ट किया हुआ है, हमारी पूरी डिजाइनिंग जो है वो लंदन को फॉलो करते हैं हम लोग सर। सर, एक चीज़ मुझे पूछनी थी, जैसे कि कई लोगों के जो क्वेश्चन आते हैं, जी सर, जो फैशन इंडस्ट्री में है, हाँ, इसमें कई सारे स्टॉक डब हो जाता है, उस स्टॉक का आप कैसे? सर देखिए, डब इस वक्त, पहले बात तो हम लोग वर्किंग क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि जो आपके अकॉर्डिंग है हम स्टॉक आपको प्रोवाइड करें। मतलब आपने अगर 100% अगर आपने से डिसाइड किया है, तो आई थिंक उसमें 25% अगर आपका डेड स्टॉक होता है, तो कंपनी उसके लिए पीछे आपके लिए बैक सपोर्ट के लिए खड़ी है, आप उसका टेंशन नहीं लीजिए, बैक सपोर्ट आप करते हैं। जी सर, तो अभी एक चीज़ जाननी थी कि ब्रेक इवन पॉइंट कितने टाइम में आता है, कितने टाइम में नो लॉस नो प्रॉफिट हो जाते हैं सर? अगर आप देखें ना, तो आप 1 ईयर में भी आपका 50% फीडबैक मिल जाएगा आपको, और बहुत अच्छा रिस्पांस आएगा। इसके लिए आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि आपने जो प्राइम लोकेशन देखना पड़ेगा, हमारा और कंपनी और आपका दोनों का टारगेट ये होना चाहिए कि जो पॉश वाला, जहाँ पे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका है या पब्लिक जहाँ पे ज़्यादा है, हमको वो एरिया चूज़ करना चाहिए। उसमें भी लोकेशन इंपॉर्टेंट होता है, कौन सा लोकेशन हमको लोकेशन भी वो चूज़ करना चाहिए जो हमारा एकदम प्राइम लोकेशन हो, जिसमें हमारे कस्टमर आते जाते रहते हैं, तभी हम कस्टमर को बराबर से मोटिवेट कर सकते हैं। तो आप लोगों ने सिर्फ मेंस वेयर ही क्यों चुना? सर हमारा पहले से ही थीम, हमारा 1991 से मेंस वेयर का ही हम लोग थीम लेके जग रहे हैं। पहले हम लोग मल्टी ब्रांड में करते थे, फिर हमें लगा कि कुछ नया करना चाहिए या कुछ इनोवेशन लाना चाहिए, तो हमने EBO कल्चर को अपनाया और पिछले 3 साल से EBO कल्चर में हैं, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है मुझे। कुछ और सर आप कहना चाहेंगे? सर मैं अपने सारे जो भी रिटेलर हैं उनको थैंक्स बोलना चाहूँगा, और मैं चाहूँगा कि हमसे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, और अच्छे ब्रांड से अगर जुड़ेंगे उनके लिए अच्छा है और हमारे लिए भी अच्छा होगा सर, ये हम सोच रहे हैं।